हमारा दूसरा मजमून है एनाटॉमी, इल्मे तशरी। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जिसमें इंसानी को मुताले करने के कितने तरीके होते हैं, उसके अलावा पहलवी हालत, सामने की, मुकदम, मौखर और ये सब इस्तलाहात जो हम एनाटॉमी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, हमने उनको देखा। आज के लेक्चर के अंदर हम चलेंगे हड्डियों की साख के ऊपर। इंसानी हड्डी हमारे जिस्म को एक ढांचा फराहम करती है। अगर हमारे जिस्म में हड्डियां मौजूद ना हो तो हमारा जिस्म इस शक्ल में, हमें जिस शक्ल में मौजूद है, इस शक्ल के अंदर नजर ना आए। उसके अलावा हमारा जो जिस्म है इतनी, उसके अलावा अज़ा की हिफाजत का काम भी हड्डियां अंजाम देती हैं। किसी शदीद ज़रब की सूरत में भी हमारे अज़ा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने से भी यही हड्डियां बचाती हैं। अगर हम हड्डी का मुतालिया करें तो हमें हड्डी एक ठोस जिस्म की शक्ल में नजर आएगी, लेकिन जब हम इसका मजीद गहराई से मुताले करें, इसको काटें, तो इसके अंदर लंबी हड्डियों के अंदर हमें एक माया, या फिलहाल हम जो बात करते हैं हम हड्डियों की साख के ऊपर ही करते हैं। अगर हम हड्डी को जलाएं तो इसका हयाती मादा, क्योंकि हड्डी इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर होती है, तो इंसानी जिस्म जो चलती है वो चलती है वाइटल फोर्स के साथ, जानवर भी चलते हैं वो चलते हैं वाइटल फोर्स या कुव्वत हयात के साथ। इन हड्डियों के अंदर भी वो कुव्वत हयात किसी न किसी शक्ल में मौजूद होती है। अगर हम एक हड्डी को लें और उसको जलाएं, ख्वाह वो किसी जानवर की हड्डी हो, उसका जो हयाती मादा वो उसमें जल जाएगा, ठीक है। उसके बजाय हमें उसके अंदर एक गैर नामियाती मादा जो कैल्शियम की शक्ल में होगा हमें हासिल हो जाएगा, जो हमारे हड्डी का 70% से भी ज्यादा बनाता है। इसकी बनिस्बत अगर हम हड्डी को तेजाब के अंदर डबो दें तो इसका ये जो गैर नामियाती मादा और नामियाती मादा दोनों अलहदा अलहदा हो जाएंगे। ये आपका एक प्रैक्टिकल है, इसको आपने करना भी है। एक हड्डी आपने लेनी है, गाय की हड्डियां आमतौर पर मिल जाती हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि हड्डी जो आपको मिले वो बगैर पकाई हुई हड्डी मिले, यानी वो हड्डी आपको मिले जो किसी होटल से ना आई हो बल्कि किसी कसाई से आप लें। उस हड्डी को आप लें, उसे हल्के नमक के तेजाब में भिगो दें, वो हड्डी गल जाएगी, उसका नामियाती और गैर नामियाती मादा अलग अलग हो जाएगा। नामियाती मादा की मैं तारीफ आपके सामने बयान कर दूं कि नामियाती मादा या नामियाती जो मवाद है वो चीजें होती हैं जिनके बारे में पिछली सदी में या 18वीं या 19वीं सदी के अंदर ही आम तसव्वुर था कि वो चीजें हैं जिन्हें इंसान तेरवागाह में तैयार नहीं कर सकता, यानी ये सिर्फ जानदारों के साथ ही मंसूब हैं। लेकिन 1890 में एक वूलर्स नामी साइंसदान था जिसने तेरवागाह